नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सजग रिंगा है। दर्शकों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सजग निगाह है और मेरे 11 वर्षीय बेटे मास्टर दिव्य सृजन शर्मा के चैनल क्रिएटिव सृजन को अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दर्शकों, आज मैं वार्ड चौपाल कार्यक्रम में नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड नंबर 9 की स्टोरी लेकर प्रस्तुत हूँ। वार्ड के पार्षद मदन सिंह कंवर है। मदन सिंह कंवर और उनके वार्ड वासियों की जुबानी, देखिए वार्ड क्रमांक 9 की कहानी। सर, आप भिलाई खुर्द के पार्षद हैं, आप अपना पूरा नाम बताएं। सर, मेरा नाम मदन सिंह कंवर है, मैं वार्ड का पार्षद हूँ, 9 नंबर वार्ड जी। कौन कौन सा क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है सर? मेरा क्षेत्र है रामपा खर्रा, करन नाला, बरवासपुर, लाइक खुर्दा, कमा 1, 2, 3 जी। आपने 3.5 साल में कौन कौन से कार्य कराए हैं सर? कार्य तो बहुत हुआ है, रोड का काम हुआ है, भवन का हुआ है और पानी जी। सबके घर पीएस जल की व्यवस्था है आपके एरिया में? यहाँ अभी हमारे यहाँ 1 नंबर में अभी पूरा नहीं हुआ है काम, 2 नंबर करन नाला बरवासपुर में हो चुका है। अच्छा, 3 जगहों में हो चुका है। बिजली की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में? बिजली की तो व्यवस्था थोड़ा कमजोर है। आपने क्या करा है, कुछ स्पेशल और खंभे वगैरह लगवाए हैं? खंभे तो लग गए हैं, अब वो बिजली के लिए कई बार गए हैं लेकिन वो साफ लोग रेलवे से परमिशन के लिए दिए हैं बोलते हैं, अब अभी तक नहीं हुआ। सर, आप किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस क्षेत्र में आए होंगे, बताना चाहेंगे अपना उद्देश्य, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने वार्ड का अच्छा से अच्छा काम कर दूं। तो आप सफल कहाँ तक हो सके हैं सर, और कितना काम बाकी भी हो चुका है, कितना काम बाकी है आपके क्षेत्र में? अभी बाकी बहुत है, 2-3 काम अभी, एक काम अभी 1 हफ्ते में चालू होने वाला है। कौन सा काम सर, नाम बताएंगे प्लीज? बरवासपुर में ना रोड पत्रिका जी। सर, आपने अब तक अपने एरिया में कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य किया है, कितनी कितनी लागत लगी है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जिला खुर्दा कमांडो में सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है और जिम का निर्माण हुआ है और एक काम भवन का रिपेयरिंग जी। लागत क्या लगी है सर? लागत तो उसमें कम लगभग 15 लाख जी। और सर, और आपके 6 ब्लॉक्स हैं? बरवासपुर में सामुदायिक भवन बना है और रोड बना है और एक रोड अभी होने वाला है चालू जी। कार्य चल रहा है? कार्य चल रहा है, उसकी लागत अभी कार्य चल रहा है, उसकी लागत 25 लाख जी। और सर, और अब करन नाले में रोड का काम हुआ है और पाइपलाइन का काम है, अब छिंदवाड़ भाटा में रोड का काम हुआ है और सामुदायिक भवन और आपा खर्रा में पाइपलाइन बिछाया गया है और बोर बोए, इसमें लगभग 2 करोड़ मतलब पूरे क्षेत्र में लगभग पूरे क्षेत्र में 2 करोड़ 33 लाख काम हुआ। अच्छा, काम हो चुका है और अभी बाकी कितना है सर? 1 लाख अभी 1 लाख का टेंडर होने वाला है। यहाँ बरवासपुर से करन नाला छिंदवाड़ भाटा रापा खरा तक लाइट का स्वीकृति हो चुका है जी। और लाइट खुर्दा कमांग 1 से बजरंगबली तक उसमें 5 लाख का बिजली का काम हो जी। सर, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आपको कांग्रेस के तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है पार्टी की तरफ से आपकी? पार्टी की तरफ से तो पूरी सपोर्ट मिलता है जी, हर हमेशा सपोर्ट मिलता है। हाँ, आपको मेरे यहाँ के पार्षद मदन लाल कंवर जो है, जो कार्य किए हैं उसमें हमारे गांव की रोड का विकास हुआ है और दूसरा में एक और भवन बना हुआ है जी स्कूल के पास जी, और तीसरा में रोड का मरम्मत हुआ है गली का जी, चौथा में पानी नल कनेक्शन लगाया गया है जी, पांचवा में बिजली खंभा भी लगाया गया है, तो वो अधूरा है अभी जी, जहाँ तक लेना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है जी। चल रहा है काम? चल रहा है काम जी।
अच्छा, दूसरा छठवा में है हम, हमारे यहाँ का जो बकाया काम जी बाकी है वो हमारे घाट पे जैसे नहाने के लिए जाते हैं नाला में, वहाँ पचरी बनाना है जी, और एक तो पचरी और है, दो जगह का पचरी है जी, और हमारे यहाँ मंच एक तो बना जरूरी है, जैसे कुछ भी जैसे गणेश उणेश बढ़ाते हैं या दुर्गा उर्गा उत्सव के लिए, तो इसके लिए एक मंच बनाना जरूरी है, ये भी बाकी है। और एक चीज और है, हमारे यहाँ इतने बड़े गांव में शमशान घाट नहीं है, हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ता है, अभी बारिश के मौसम है, हम कहाँ पर ले करके जलाएंगे सौ, ये तो हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा दिक्कत है जी। सर आपको आपके यहाँ सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है, पार्षद के द्वारा आपको बताया जाता है समय समय पे कि ये सरकारी योजनाएं निकली हैं, जैसे अभी मोबाइल वितरण हुआ, मच्छरदानी वितरण हुआ, ये सब की जानकारी आपको दी जाती है, पार्षद आ करके बदलाता है, उस चीज के लिए हम लोग चले जाते हैं जी, और जो हमारे तक नहीं पहुंच पाता जी, तो उसके लिए हम काम क्या कर पाएंगे, उसके जिम्मेदारी मिलती है, मतलब बीच बीच में आके वो बताते हैं स्वयं। हाँ बताते हैं, जहाँ काम करना होता है जी, जी। जगह की काम के लिए हम, मैं ऐसा करा रहा हूँ कि वो करा रहा हूँ, यहाँ भी ऐसे करना है जी, बतलाते हैं जी। सर आपके यहाँ सरकारी योजना चलती है, जैसे विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, ये सब पार्षद महोदय जो समय समय पे दिलवाया जाता है जो उसके योग्य है, जो मिलता है उसको मिलता है जी। सोसाइटी वगैरह में राशन वगैरह सब समय पे मिलता है, कोई दुर्व्यवहार तो नहीं होता है, सबको नहीं मिल जाए, जो जो नहीं जो योग्य है जिनका बना हुआ है, हाँ वो जी जितना बना उसका सबको मिलता है, सबको मिलता है। पार्षद जी आप लोगों से छोटे मोटे साइन वगैरह के लिए कोई पैसे उसे तो नहीं लेते हैं, जैसे किसी फॉर्म में साइन कराना है, कुछ सरकारी योजनाएं दिलवानी है? नहीं नहीं, पैसा उसे कोई कुछ नहीं लेता, हमारे पास तो नहीं लिया है भाई, भले हम दूसरा कर लेता हो कर लेता होगा, हम तो नहीं दिया। अभी वर्तमान में हमारे वार्ड क्रमांक 9 में जो कि 6 गांव में बटा हुआ है, अभी वर्तमान स्थिति में 2,33,00,000 का काम हो चुका है, अभी 1,00,00,000 का काम टेंडर में गया हुआ है, जो काम अभी होना है। भिलाई खुर्द क्रमांक 1 में 2 सीसी रोड का काम हो चुका है, एक अपने 10,00,000 का था और एक 7,00,000 का था, उसके बाद में एक मंच का काम हुआ है, और एक ठाकुर देव जो होता है गाँव का जो प्रमुख देवी देवता होते हैं, उनके वहाँ से रोड के लिए गाँव तक का उसका रोड का निर्माण हुआ है। भिलाई खुर्द क्रमांक 2 में एक सामुदायिक भवन का, सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग कार्य हुआ है, एक जिम का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका बरबसपुर गांव में एक सीसी रोड का काम हुआ है 10,00,000 का, और लगभग 5-6,00,000 का उसमें सामुदायिक मंच का काम हुआ है, सामुदायिक भवन का भी काम हुआ है बरबसपुर में। इसके अतिरिक्त अपना रापा खर्रा में और बरबसपुर विश्रामपुर में, भिलाई खुर्द क्रमांक 3 में और करनारा बस्ती में, तीनों जगह 52,00,000 का डांबरीकरण रोड हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका भिलाई खुर्द क्रमांक 3 में एक सामुदायिक भवन बना है, उसके बाद में अपना पेयजल की व्यवस्था हुआ है, आपका रापा खर्रा में ड्रिंकिंग वाटर के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए सिंटेक्स लगा है, पाइपलाइन का काम हुआ है। इस तरह से लगभग 2,33,00,000 का काम हमारे पूरे क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त पार्षद जी से सहयोग से मैंने खुद विधायक जी से जाके हमने बताया कि हमारा जो भिलाई खुर्द क्रमांक 2 है वो केवल खेती बाड़ी कृषि कार्य में ही आश्रित है, तो उन्होंने कृषि मंत्री जी से बात करके हमारे गांव के लिए 1,91,00,000 रुपए का सिंचाई योजना पास किया है। अभी आपका सिंचाई डिपार्टमेंट से आए थे अधिकारी लोग, पूरे अपने गांव का भ्रमण किए हैं, गांव का भ्रमण करने के बाद में आप लोग बताइए आपका जमीन कौन सा है, वहां अपने वो सिंचाई की पूरा योजना करनी है विस्तारित रूप में, वो आके अभी हुआ है। लगभग पार्षद जी ने इस वार्ड में बहुत काम किए हैं जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ मैं तो संतुष्ट हूँ। Thank you.
ये जिम किनके द्वारा बनवाया गया है? मैम ये जिम जो है वाटर कमांड गांव का पार्षद मदन सिंह कुमार के द्वारा इसको क्या बोलते हैं लाया गया, इम्प्लीमेंट कराया गया है। और यहाँ इससे क्या है, सभी लड़के लोग को जितने भी वर्ग को इससे फायदा मिल रहा है कि आने से थोड़ा खुशी का भी लहर है और करते हैं, आते हैं यहाँ पे। मतलब अभी की युवा पीढ़ी आपके यहाँ जो ग्राम क्षेत्र में है जिम वगैरह का बेनिफिट नहीं उठा पाते, उनको बहुत फायदा मिल रहा है। जी और आते हैं रोज़ करते हैं लड़के जी, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए जिम में लड़के जो है शौक में बहुत पैसे खर्च करते हैं, अभी यहाँ उनको फ्री में सब फायदे मिल रहे हैं। कितना समय हो गया है ये जगह का नाम? मैम ये ब्लैकपुर तक ही है, ब्लैकपुर तो नंबर तीन का है, क्रमांक तीन का। और इससे पहले ब्लैकपुर तो दो में था, अभी दो महीने हुआ यहाँ पे आए हैं। तो इसको जगह क्या है? नाम पंकज पटेल। नहीं जगह का नाम सर, जगह का नाम तो बता रहा हूँ, ब्लैकपुर तो क्रमांक तीन का है, ब्लैकपुर तो क्रमांक तीन का है, इससे पहले दो नंबर दो में था। अच्छा ठीक है।